हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। आज 3 सितंबर है और आज हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट क्या है तो गाइस ध्यान रखेंगे, सीजीपीएससी प्री 2022 के लिए क्रैश कोर्स हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुका है ऑफलाइन मोड में। ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन मोड में जो भी लोग आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो और स्टडी प्रॉपर एक वे में चल रही है, थोड़ा बहुत कहीं फ्लक्चुएशन हो रहा हो, अगर आपको लगता हो कि क्रैश कोर्स कहीं पे 100 टू 120 डेज का ज्वाइन कर लेना चाहिए जिससे कि हमारा रिवीजन हो जाए, तो गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल करके आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो बैचेज के बारे में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन का। क्वेश्चन है, सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार अगस्त 2022 तक छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का दर कितना रहा है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, सीएमआईई के आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की अगर हम बात करें, देश में बेरोजगारी की बात करें तो 8.3% है, लेकिन वही अगर हम राज्य में बात करें अगस्त 2022 तक का, तो अगस्त 2022 का 0.4% है। वही सेम प्रीवियस मंथ में हम बात करें जुलाई में, तो जुलाई में ये परसेंटेज 0.8 था। ध्यान रखिएगा 0.8 था, क्लियर रहेगा। तो गाइज यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ठीक है। उसको आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इंडिया में 8.3% का है। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, ऑल इंडिया अंडर 18 टेनिस प्रतियोगिता में बालिका वर्ग से राज्य के किस खिलाड़ी ने चैंपियनशिप प्राप्त की है? मतलब इस चैंपियन की विजेता बनी है। तो गाइस ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया अंडर 18 टेनिस प्रतियोगिता में पाखी भट्ट, याद रखेंगे आप, पाखी भट्ट बालिका वर्ग से राज्य के इस प्रतियोगिता में जो है चैंपियनशिप प्राप्त की है। क्लियर रहेगा, चैंपियनशिप प्राप्त की है ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा 29 अगस्त यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन 29 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया गया इस खेल में, इस प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन। ध्यान रखेंगे आप, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन यह पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने? पाखी भट्ट ने। तो क्लियर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेंगे आपके यहां पर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में कोयले के 25 नई भंडार मिले हैं? तो ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से कोल शॉर्टेज आपको देखने को मिला रिसेंट मंथ में, यानी मई जून जुलाई में अगर आप देखेंगे तो कोल का शॉर्टेज देखने को मिला था हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ क्या पूरे इंडिया में कोल शॉर्टेज देखने को मिला था, लेकिन अभी सीएमपीडीआई रांची के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल मिनरल्स अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, रांची के द्वारा हाल ही में कोरिया जिले में 25 नए माइंस मिले हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, 25 जहां से प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है, ऐसे 25 माइंस कहां मिले हैं? कोरिया जिले में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी, एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड के द्वारा एसईसीएल का कोरिया में 25 नए खद्यान मिले हैं। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का प्रथम प्लास्टिक पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? तो गाइस ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के प्रथम के साथ साथ एकमात्र प्लास्टिक पार्क जो है स्थापित किया जाएगा वो है आपका रायपुर में, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार जो है, हाल ही में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे एक प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की बात कही थी, उसमें से रायपुर को चुना गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा यहां पर आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला वर्चुअल स्कूल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो गाइस ध्यान रखेंगे, वर्चुअल स्कूल जहां पे देशभक्ति का पाठ्यक्रम इसके अलावा ऑनलाइन और आपके विजुअल तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वर्चुअल क्लासरूम लॉन्च किया गया है, स्कूल लॉन्च किया गया है, और ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होता है आपका ए। चलिए इसके अलावा दिल्ली में और भी क्या क्या चीजें हैं, बुनियादी सुविधाओं के बारे में बात करूं, स्कूली शिक्षा के बारे में, तो हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली के स्कूलों के बारे में एक आर्टिकल छपा था। अगर आप लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे करंट अफेयर्स के आर्टिकल से तो ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। क्लियर। चलिए क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस जिले में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी या हिंदी माध्यम स्कूलों में स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम की शुरुआत की गई? स्वास्थ्य योद्धा कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं को जोड़ा जाएगा, ठीक है, सभी छात्रों को और छात्राओं को, ठीक है, छात्र और छात्राओं की अगर हम बात करें, ठीक है, छात्राओं को जोड़ा जाएगा, और इसका मुख्य उद्देश्य है घर घर और समाज तक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता होना जरूरी है। इसके तहत पानी से होने वाली बीमारियां,
छुआछूत से होने वाली बीमारियां, इसके अलावा खराब मौसम की वजह से होने वाली बीमारियां जिसको वायरल फीवर्स बोल सकते हो, वायरल बीमारियों के बारे में बच्चों को जानकारी दी जाएगी और बच्चे जो हैं अपने घरों तक इस जानकारी को पहुंचाएंगे। और ये कार्यक्रम स्वास्थ्य योद्धा के नाम से शुरू किया गया है बलरामपुर जिले में, ठीक है, बलरामपुर जिले में। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के नवगठित जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई, राज्य के नवगठित जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के पुलिस अधीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? ध्यान रखिएगा, पदस्थापना दी गई है डॉक्टर अंकिता शर्मा, ध्यान रखेंगे, श्रीमती अंकिता शर्मा जी को, सॉरी डॉक्टर बोला मैं, श्रीमती अंकिता शर्मा को हाल ही में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। कहां का? नवगठित जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई का। क्लियर रहेगा तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बनेगा आपका? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विश्व नारियल दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो वर्ल्ड कोकोनट डे हर साल 1 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है गाइस, 1 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 2 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, नारियल का आपके जीवन में क्या महत्व है, इस थीम पे इस साल का नारियल दिवस मनाया गया, विश्व नारियल दिवस मनाया गया। क्लियर रहेगा, अगर आप जितने भी कोस्टल एरियाज हैं लाइक केरल में आप चले जाएंगे, साउथ में अगर आप देखेंगे इंडिया में, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे उड़ीसा वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ पे नारियल की खेती ज़्यादा होती है। ठीक है, नारियल की खेती होने का मतलब है यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें, प्रोडक्ट जो बने मिलेंगे आपको, ये नारियल तेल के बने हुए मिलेंगे, नारियल के बने हुए मिलेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर डी, 2 सितंबर, 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में वेल सार्क बचाओ अभियान, वेल सार्क बचाओ अभियान की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो वेल सार्क बचाओ अभियान एक्चुअली है क्या? तो ध्यान रखिएगा, वेल सार्क बचाओ अभियान में जैसे कोई मछुआरा सागर में मछली पकड़ने जाता है, तो मछली के जालों में फंस करके जो मौत हो रही है वेल का, सार्क मछलियों का, उसको कम करने के लिए, उसमें कमी लाने के लिए वेल सार्क बचाओ अभियान शुरू किया गया है। कहां पे? कर्नाटक में, कर्नाटक के मैंगलोर में, मैंगलोर में, याद रखिएगा, मैंगलोर में वेल सार्क बचाओ अभियान शुरू किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक दल द्वारा, इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा 10th समुद्री खोज और बचाव अभियान, ठीक है, 10th समुद्री, 10वां संस्करण समुद्री खोज और बचाव अभियान सारेक्स 2022, इस अभियान का नाम है सारेक्स 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो गाइस ध्यान रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा सारेक्स 2022 का आयोजन चेन्नई में किया गया, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बनेगा आपका बी। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, अब बारी है आपकी क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान से देखिएगा यहां पर, क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहां बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो गाइज ये था आज का सेशन, मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेज में व्यापम के कोर्सेज, छत्तीसगढ़ टीचर वैकेंसी से, टीचर वैकेंसी के लिए हमारे पास जो भी अपकमिंग जो वैकेंसी है टीचर की, 10,000 शिक्षकों की जो भर्ती होने वाली है, उसकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं गाइज। इसके अलावा अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड, इस कोर्स का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉल करके डायरेक्टली आप हमें वहां पर पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं क्लासेस की टाइमिंग और बैचेस के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप सर्च करेंगे तेजस आईएएस एकेडमी भिलाई ब्रांच के लिए, तो भी आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर वहां से मिल सकता है ऑनलाइन सर्च से गूगल क्रोम में। क्लियर रहेगा, चलिए तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट और नए सेशन में, बने रहिए तेजस करियर एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।